ऐसी आबो हवा में कोई सांस ले तो कैसे ले। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर कोई भी शहर, हर जगह वायु प्रदूषण का हाल ऐसा है कि ये शरीर को बीमार बना रहा है। कई लोग प्रदूषण से मुकाबले के लिए मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं, लेकिन घर के अंदर प्रदूषण ने जो डेरा जमा लिया है उससे निपटना भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। यूं तो घरों में एयर प्यूरिफायर लगाकर लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अब वो बेहद साफ सुथरी सांस ले रहे हैं, लेकिन एक रिसर्च से जो खुलासा हुआ है वो खतरे की आहट से कम नहीं है। वर्ल्ड लंग्स डे के मौके पर इस रिसर्च के हवाले से आप ये जान लीजिए कि घर के अंदर हवा में जहर है जो आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचा रहा है। ब्रीथइजी कंसल्टेंट्स नाम की एक संस्था ने घरों के अंदर की हवा पर स्टडी की और जो नतीजे बताए वो हैरान करने वाले हैं। ये स्टडी अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच की गई और इस दौरान दिल्ली एनसीआर की 200 कॉलोनियों के 400 घरों से हवा का डाटा इकट्ठा किया गया। मॉडर्न मॉनिटरिंग गैजेट्स की मदद से साल भर की चेकिंग का जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि दिल्ली एनसीआर के घरों में जो इंडोर वायु प्रदूषण है वो किसी भी मायने में आउटडोर प्रदूषण से कम नहीं है। जिस ब्रीद इजी संस्था ने ये रिसर्च की है उसके पड़ताल से ये पता चला कि घरों के अंदर की हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। स्टडी में ये भी निकल कर सामने आया कि इंडोर एयर में TVOC यानी टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि आपके घर में भले ही कितना अच्छा एयर प्यूरिफायर क्यों न लगा हो, अगर आपका घर 500 मीटर के नाले के दायरे के पास पड़ता है तो वहाँ से निकलने वाली जहरीली गैसों के आगे सब बेअसर है। घरों की आबो हवा को साफ सुथरा रखने के लिए लोग एयर प्यूरिफायर तो लगा लेते हैं, लेकिन ब्रीद इजी की स्टडी बताती है कि प्यूरिफायर कंपनियां जिस कदर दावा करती हैं उसका छटाक भर भी फायदा नहीं होता और फेफड़ों तक प्रदूषित हवा ही पहुंचती है। ब्रीद इजी का दावा है कि इंडोर एयर में जो PM2.5 है उसे प्यूरिफायर रोक देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से वो लड़ नहीं पाता और न ही ये महंगे एयर प्यूरिफायर TVOC का ही मुकाबला कर पाते हैं। मैं एक भी एयर प्यूरिफायर मार्केट में ये बोल सकता हूँ कि वो CO2 पे काम करता है, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी एक भी मशीन नहीं है जो CO2 कम कर सकती है। TVOC के लिए कई हैं जो क्लेम करते हैं और हमारी स्टडीज कहती हैं कि वो 5-10% कम करती हैं, कुछ नहीं करती। रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और TVOC की मात्रा सामान्य से 5 से 6 गुना तक ज्यादा पाई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 750 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन घरों के अंदर ये मात्रा 3900 ppm थी। टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी TVOC जो 200 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसकी मात्रा घरों के अंदर 1000 माइक्रोग्राम तक पाई गई। आप छोट लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं या स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, ड्राई क्लीन के कपड़े लाते हैं, उसमें से जो स्मेल आती है, तो ये सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स घर के वातावरण में होते हैं और स्मोक करते हैं तो वो भी घर के वातावरण में। सो इंडोर पोल्यूशन भी उतना ही खतरनाक है। अब घरों की आबो हवा में इतना जहर है कि उससे मुकाबला करने में एयर प्यूरिफायर भी समर्थ नहीं है, तो आखिर क्या किया जाए? एक्सपर्ट्स कहते हैं इसके लिए कुदरत का ही सहारा लेना होगा। कुछ पौधे ऐसे हैं जो घरों के इंडोर एयर पोल्यूशन से ठीक तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है एरिका पाम प्लांट का, जो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। एक और है मदर इन लॉ टंग प्लांट, जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करता है। इसके अलावा मनी प्लांट भी फायदेमंद है, जो अलग अलग टॉक्सिन को हवा में से हटा देता है।
अगर आपके घर में कोई भी एयर प्योरीफायर नहीं है तो इस तरह के पौधे आपको बचा तो सकते हैं इंडोर पोल्यूशन से, लेकिन एक व्यक्ति के लिए कम से कम 4 से 6 पौधे एक कमरे में होने चाहिए, उसके बाद ही थोड़ी बहुत सांस बच सकती है। हर एक व्यक्ति दिन भर में 13,000 लीटर हवा अंदर लेता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम कितना जहर अपने फेफड़ों तक पहुंचा रहे हैं। हर साल वर्ल्ड लंग्स डे के मौके पर फेफड़ों की चिंता तो की जाती है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि घरों के अंदर साफ सुथरी हवा रखने के लिए हमें खुद जागरूक होना होगा। केवल एयर प्योरीफायर के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।